हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनानी द हीलर। आज का जो मेन मोटिव है वो थीम है हमारा काउंसलिंग प्रोसेस को समझाना। काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो दो प्रोसेस है, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग, दूसरा स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग AIQ जिसको हम लोग EEEC कहते हैं, जो हर गवर्नमेंट कॉलेज में 15% सीट कवर करता है और बचा 85% सीट वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो आज का जो वीडियो है EEEC के रिगार्डिंग है। कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करता है कि आपको इतने मार्क्स पे एडमिशन होगा या नहीं होगा। कट ऑफ मार्क्स वो मिनिमम मार्क्स है जिससे ये डिसाइड होता है कि ये लास्ट मार्क्स है जिस पर एडमिशन हुआ था। तो जब भी ये बात की जाती है वो लास्ट ईयर की बात की जाती है। इस पर क्या होगा इसका तो कन्फर्मेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हो, कितना मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है लास्ट ईयर के रिगार्डिंग। मैं आज बात कर रहा हूँ आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी, ये तीनों पैथी का कट ऑफ के रिगार्डिंग ये EEEC को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था ऑन एन एवरेज UMS का, BAMS का और BHMS का, तीनों का मैं सेपरेट बताने जा रहा हूँ। तो पहले बात करेंगे BUMS का। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जितने भी गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज है उसका एवरेज मार्क्स जिस पे आपका एडमिशन हो सकता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जनरल के लिए जो कट ऑफ था वो 435 था, मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर जिसको भी 435 मार्क्स आया होगा या उससे भी ज्यादा होगा, 435 मार्क्स से ज्यादा जिसका भी मार्क्स आया होगा उसका एडमिशन यूनानी में हो गया होगा। और OBC का 433 और EWS का 428, SC का 325 और ST का 245, ये मार्क्स था, क्राइटेरिया था ये कट ऑफ का। UMS का हो गया। ऑन एन एवरेज मैं बात करूँ तो जिसको भी 400 प्लस मार्क्स आया उसको गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज मिला होगा लास्ट ईयर। इस दफ़ा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं EEEC के लिए? तो मेरा ये मानना है कि इस दफ़ा 450 प्लस अगर है आपके पास नंबर तो आप समझिए कि आपका ये मार्क एडमिशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको। जो भी डाउट है आप कमेंट करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा, स्पेशल उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। तो ये BUMS की बात थी। अब बात करेंगे BAMS का, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BAMS का जो कट ऑफ था जनरल के लिए वो 520 था, 520 मार्क्स कट ऑफ था जनरल के लिए। OBC के लिए भी 520, अप्रॉक्सिमेट 515 तक गया, 500 प्लस मान के चलते हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अगर आपको चाहिए था लास्ट ईयर के लिए तो वो 500 प्लस था, यूनानी का 435। तो 520 था कट ऑफ OBC जनरल का। EWS का 516 और SC का 390 और ST का 320। अब बात करेंगे हम लोग बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS की बात करने जा रहे हैं हम लोग। BHMS का जो कट ऑफ था वो लास्ट ईयर 430 मार्क्स था जनरल के लिए। OBC के लिए 428 और EWS के लिए 425, SC के लिए 355 और ST के लिए 255। तो एवरेज निकाले तो हम लोग देख रहे हैं कि 430। तो BHMS और BUMS, यूनानी और होम्योपैथी का जो कट ऑफ मार्क्स जो लास्ट ईयर था वो ऑन एन एवरेज बराबर ही था 400 प्लस जिसको मार्क्स रहा होगा उसको मतलब गवर्नमेंट में होम्योपैथिक कॉलेज मिल गया होगा। तो ओवरऑल बात की जाए तो जितने भी आप इसका ये गवर्नमेंट प्रोसेस था, प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं प्राइवेट के लिए जो कट ऑफ था वो 137 जनरल के लिए और OBC के लिए 107। 137 मार्क्स अगर किसी को रहा होगा तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में से ले सकता था, इस साल भी वही रहेगा। बिहार में अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूं मैं तो टोटल 4 प्राइवेट कॉलेज है और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट एक तिब्बी कॉलेज हो गया GTCH पटना। दरभंगा में एक कॉलेज है जिसका नाम है सल्फा यूनानी मेडिकल कॉलेज SUMNCH। निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज गया और एक चटिया में है SUMCH। सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर चटिया और एक है जुल्फिकार हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिवान। ये सारे प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मार्क्स अगर 137 प्लस है, पासिंग मार्क्स, नीट क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आपको एडमिशन हो जाएगा। मैं बात करूं तो उसका कितना पैसा लगेगा तो ऑन एन एवरेज 10 लाख से 12 लाख एवरेज है किसी भी प्राइवेट कॉलेज का फी। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं अगर एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में। अगर किसी भी तरह का कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करें और आप यूनानी द हीलर के इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज करें, वहाँ आपको जवाब मिलेगा और हेल्प मिल जाएगा। काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको सारा हेल्प मिल जाएगा और फी स्ट्रक्चर वगैरह हर तरह का जो भी डाउट है आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो बात आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट करें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और सेपरेट वीडियो के साथ मैं आ रहा हूँ जिसमें मैं GTCH के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, स्पेशल वीडियो वो जल्द आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।